भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्रों से मिली अहम जानकारी के अनुसार भाजपा आलाकमान ने संघ पृष्ठभूमि के एक वरिष्ठ नेता को इस पद पर बैठाने का मानस बना लिया है, जो कि फिलहाल जयपुर के आमेर से विधायक हैं और संघ में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सतीश पूनिया को इस पद की जिम्मेदारी जल्द ही सौंपी जा सकती है। इसके अलावा पार्टी वासुदेव देवनानी पर भी दाव खेल सकती है। आगे देखिए, भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर लॉबिंग तेज, पार्टी नहीं चाहती पिछली बार की तरह विवाद, संघ पृष्ठभूमि के नेता को मिलेगी तवज्जो, दिल्ली के आलाकमान के स्तर पर होगा फैसला। पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चली लंबी खींचतान और विवाद के बाद भाजपा इस बार सदे कदमों से चल रही है। पार्टी आलाकमान ने तय किया है कि नए अध्यक्ष की घोषणा को लेकर इस बार ज्यादा नेताओं से चर्चा नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान इस मामले में बेहद संवेदनशील है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में आरएसएस की राय बेहद अहम होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्र में राजपूत, जाट और एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। ऐसे में अब अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे नेता को बैठाए जाने की चर्चा है जो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हो। सतीश पूनिया के रूप में पार्टी जातिगत और कार्यकर्ता के हिसाब से बड़ा चेहरा मान रही है। अध्यक्ष की दौड़ में पूनिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक अन्य नाम निकलकर भी सामने आया है, वो है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी का। देवनानी शुद्ध रूप से संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और आज भी इनकी पहचान एक कार्यकर्ता के रूप में मानी जाती है। सत्ता और संगठन दोनों का लंबा अनुभव भी साथ है। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।